नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आपके साथ आज फिर एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का प्लॉट, जिस प्लॉट के नॉर्थ में भी गली लगती है और ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में भी गली लगती है और उत्तर दिशा में भी गली लगती है, ऐसे प्लॉट को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का प्लॉट कहा जाता है, यानी ईशान कोने का प्लॉट कहा जाता है। ऐसा प्लॉट वास्तु के अनुसार बहुत ही नाजुक होता है। यहाँ पर हल्का सा बदलाव करते ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, हल्का सा बदलाव करते ही नेगेटिव इफेक्ट भी साथ ही साथ मिलते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के प्लॉट को बनाते समय भी बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आपके प्लॉट की जो ईस्ट की दीवार है वो चौड़ाई में है और जो नॉर्थ की दीवार है वो लंबाई में है, तो ऐसा प्लॉट ईस्ट फेसिंग कहलाता है। ऐसे प्लॉट को बनाते समय ध्यान रखना है, आपके प्लॉट का साइज जो भी है उसके हिसाब से आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके प्लॉट का साइज बड़ा है यानी बिग साइज का आपका प्लॉट है, तो उसमें आपने जो बिल्डिंग बनानी है वो बिल्डिंग आपने ईस्ट के भाग में साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर और ऐसे ही साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर और नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर आपने तीनों साइड ओपन एरिया छोड़ना है, यानी ईस्ट में भी ओपन एरिया रखना है आपने, नॉर्थ में भी ओपन एरिया रखना है और वेस्ट में भी ओपन एरिया रखना है। ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में आपका ओपन एरिया ज़्यादा होना चाहिए और पश्चिम दिशा में ओपन एरिया कम होना चाहिए। उत्तर दिशा में जितना ज़्यादा आप ओपन एरिया रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके प्लॉट का साइज छोटा है तो आप नॉर्थ की दीवार को टच कर सकते हैं, यानी साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक और साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक पूरी की पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं। उसमें ईस्ट का भाग भी ओपन हो जाता है और वेस्ट का भाग भी ओपन हो जाता है। इस प्रकार से भी आप अपने प्लॉट के अंदर बिल्डिंग बना सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपके प्लॉट का साइज छोटा है तो आप अपने प्लॉट को 100% कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके ईस्ट के भाग में भी गली लगती है और नॉर्थ के भाग में भी गली लगती है, तो आप पूरे प्लॉट को आप 100% बना सकते हैं। आपके यहाँ फर्श की ढलान कैसे होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो आपकी बनी हुई बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग आप बनाएंगे उसमें फर्श की ढलान साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक, ऐसे ही छत की ढलान भी आपकी साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक होनी चाहिए। जो आपका ओपन एरिया है, ओपन एरिया में वेस्ट की दीवार के साथ साउथ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक और साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक आपने फर्श की ढलान लेकर आनी है। आपके यहाँ आपने नॉर्थ का भाग भी ओपन रखा है तो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर आपको फर्श की ढलान लेकर आनी है। आपके यहाँ पानी जाने का जो रास्ता आपने बनाना है वो रास्ता आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग से गली के अंदर अपना पानी बाहर निकालना है। आपने अपना मेन गेट ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक के भाग में अपना मेन गेट बनाना है, ईस्ट के भाग में, नॉर्थ के भाग में और वेस्ट के भाग में आपने खिड़कियां और दरवाजे लगाने हैं। इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर बनता है लगभग 7 से 8 फीट का एरिया आपने सॉलिड करना है। यहाँ पर कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं लगाना है। इसी के साथ आपको एक काम और करना है, जो आपका साउथ वेस्ट का कॉर्नर बनता है उसका फर्श आपने सबसे ज़्यादा ऊंचा रखना है, यानी ईस्ट के मुकाबले वेस्ट का फर्श ऊंचा होना चाहिए, यानी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा का फर्श हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। आप इस प्रकार अपने प्लॉट में बिल्डिंग बनाते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी बिल्डिंग समय पे पूरी हो जाएगी, ना तो आपको पैसे की तरफ से दिक्कत आएगी, ना ही आपको लेबर की तरफ से दिक्कत आएगी, ना आपको मटेरियल की तरफ से दिक्कत आएगी। आपकी बिल्डिंग समय पे तैयार
हो जाएगी। यदि आप अपनी बिल्डिंग को वास्तुशास्त्र के नियमों के विपरीत बनाते हैं तो आपको बिल्डिंग बनाने में भी तकलीफ होगी और जो पैसा आपकी बिल्डिंग के अंदर लगना है वो पैसा भी आपका ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जब अपनी बिल्डिंग बनाएं तो वास्तु के नियमों के अनुसार बाहरी वास्तु का ध्यान जरूर रखें और जो आपकी बिल्डिंग बनेगी, जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा, उसको भी आपने एज पर वास्तु बनाना है। इस घर में आने के बाद आपके यहाँ हेल्थ, वेल्थ, नेम फेम, प्रोस्पेरिटी, सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। सिर्फ आपको सेटअप इस प्रकार से करना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिंक में 40-50 घर, 100 फैमिलीज जुड़ी हुई होती है और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना घर बनाना चाहता है, तो हो सकता है मेरी ये वीडियो उस व्यक्ति के काम आ जाए। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है वो आप तक जरूर पहुँचे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।